अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए बैच में। और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू का चैप्टर 1 पढ़ाई थी, फर्स्ट चैप्टर, जो कि दरक्षा के किताब से था। मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से बता दूं कि आप लोग के 10th क्लास के उर्दू में दो किताब पढ़ना है, दो बुक है उर्दू का, पहला है दरक्षा और दूसरा है रोशनी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दरक्षा से पूछा जाता है और इसीलिए मैं आप लोग को सबसे पहले दरक्षा के बुक से ऑल चैप्टर को 1 by 1 करके पढ़ा रही हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को दरक्षा के बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई थी, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरक्षा के बुक से सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगी, जिसका नाम क्या है, भाभी जान। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भाभी जान। और ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है, अफसाना यानी कि कहानी, किस्सा और कहानी को ही अफसाना कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, भाभी जान नाम का ये जो चैप्टर है ये क्या है, अफसाना है, यानी कि कहानी है, स्टोरी है, ठीक है। और इस चैप्टर के राइटर, इस अफसाना के लिखने वाले मुसन्निफ़ का क्या नाम है, सुहैल अजीम आबादी। राइटर यानी कि लेखक को उर्दू में बोलते हैं हम लोग मुसन्निफ़। तो इस अफसाना, इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर हो गए सुहैल अजीम आबादी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सुहैल अजीम आबादी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए आप लोगों को इनके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा राइटर से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए, जो आप लोगों के बुक में है ना, सुहैल अजीम आबादी के बारे में लंबा चौड़ा डिटेल्स दिया है, उसका जो मेन पॉइंट है वो निकाल कर मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ। ये सारा चीज़ सुहैल अजीम आबादी के बारे में जितना भी डिटेल्स मैं लिखी हूँ, हर एक एक पॉइंट, हर एक एक डिटेल्स आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए सुहैल अजीम आबादी के बारे में, फिर मैं इस चैप्टर और इस कहानी को भी समझाऊंगी। तो देखिए, सुहैल अजीम आबादी का असल नाम यानी कि उनका रियल नेम है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है सुहैल अजीम आबादी का, रियल नेम सैयद मुजीबुर रहमान। लेकिन ये बचपन से ही ना शेर व शायरी करना शुरू कर दिए सुहैल अजीम आबादी, और उस वक्त अपने शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज़ करते थे वो था सुहैल, यानी कि सुहैल इनका तखल्लुस था। अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में वो कौन सा नाम यूज़ करते थे, तो सुहैल। तो इसीलिए इनका तखल्लुस क्या हो गया, सुहैल। तखल्लुस क्या है सुहैल अजीम आबादी का, तो सुहैल। और इसीलिए ये बचपन से ही सुहैल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए, भले ही इनका रियल नेम कुछ और था, सैयद मुजीबुर रहमान था, लेकिन ये सुहैल तखल्लुस रखने की वजह से ये किस नाम से मशहूर हो गए, सुहैल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी को पटना में, और पटना के भी ये भदोल के शाहपुर गांव में पैदा हुए थे सुहैल अजीम आबादी, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि सुहैल अजीम आबादी जो है वो 1911 ईस्वी को पटना में पैदा हुए, ठीक है। सुहैल का ताल्लुक ज़मींदार ख़ानदान से था, इनका ख़ानदान कैसा था, ज़मींदार था, ठीक है। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी कि एक साल के थे सुहैल अजीम आबादी, तो इनकी माँ यानी कि इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, और परवरिश और इब्तदाई तालीम व तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में नानी हाल में हुई थी। जब इनकी माँ का इंतकाल हो गया, इनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, मर गई, डेड कर गई, तो सुहैल अजीम आबादी जो है वो अपने नानी हाल में चले गए, यानी कि अपने नानी के घर चले गए, और वहीं पर इनकी परवरिश हुई, देख रेख वहीं पर हुआ, इनका पालन पोषण इनके नानी के घर ही हुआ, और इनकी तालीम व तरबियत, शुरुआती शिक्षा जो है वो एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में उनके नानी हाल में हुई। फिर उसके बाद से वो कॉलेज और स्कूल जाना शुरू किए, ठीक है। इब्तदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ मायल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो ना सुहैल अजीम आबादी, ये इब्तदा शुरुआत शायरी से की, यानी शेर व शायरी पहले लिखा करते थे शुरू में, लेकिन आगे चलकर सुहैल अजीम आबादी जो है ना वो अफसाना लिखना शुरू कर दिए, अफसाना निगारी करने लगे, यानी कि कहानी लिखने लगे, ठीक है। और फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा कि मुझको शेर व शायरी लिखना है कि नहीं, बस अफसाना लिखने लगे और लिखते ही चले गए, ठीक है। और बेशुमार अफसाने लिखे, बहुत ही फेमस कहानियाँ लिखी, ठीक है। फिर वो शेर व शायरी लिखना भूल ही गए, मतलब शेर व शायरी भले ही शुरुआत में लिखे थे सुहैल अजीम आबादी, लेकिन जब अफसाना इन्होंने लिखना शुरू किया तो बस अफसाना लिखते ही चले गए, और फेमस मशहूर अफसाना लिखे, ठीक है। और फिर उन्होंने शेर व शायरी नहीं की, ठीक है। तो ये हुआ, और बेशुमार अब पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा कि मुझको शेर व शायरी लिखना है कि नहीं, बस वो अफसाना लिखते ही चले गए और बहुत ही फेमस अफसाना लिखे, ठीक है। आगे देखिए, सुहैल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत भी किए थे, ऑल इंडिया रेडियो में भी सुहैल अजीम आबादी जो है वो जॉब किए थे, ठीक है। अफसानवी मजमू आप लोगों के बुक में सुहैल अजीम आबादी के अफसानवी मजमू 3 दिया है, यानी कि अफसानवी मजमू का मतलब क्या होता है, अफसाना का किताब, कहानी का किताब, स्टोरी बुक को ही बोलते हैं हम लोग अफसानवी मजमू उर्दू में,
अब सानवी मजमी इंग्लिश में स्टोरी बुक और हिंदी में बोलते हैं कहानी का किताब, ठीक है। तो इनके तीन कहानी के किताब का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है। पहला है चार चेहरे, जो कि आज़ादी के बाद प्रकाशित हुआ था, ठीक है। दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दी कि चार चेहरे जो है ना, ये कहानी का किताब आज़ादी के बाद प्रकाशित हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दी, ताकि इतना पॉइंट जो है आप लोग याद रखें और अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप लोग टिक करके आ जाए। क्वेश्चन पूछता है कि सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानवी मजमूए चार चेहरे कब प्रकाशित किया गया, मतलब कब शाये हुआ, ठीक है। और ऑप्शन में दे देता है आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले, ठीक है, आज़ादी के बीच, ठीक है। तो कब हुआ था चार चेहरे? आज़ादी के बाद प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग सही टिक कर कराइएगा, ठीक है। सुहैल अज़ीम आबादी के नावल का नाम है बेजड़ के पौधे, ठीक है। एक नॉवेल है इनका बेजड़ के पौधे, ये भी याद रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे। अब एग्जामिनर का क्या है, वो कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। सुहैल अज़ीम आबादी तकरीबन जो है ना 125 अफसाने लिखे, टोटल जो है ना 125 अफसाने कहानी लिखे थे, ठीक है। और इनका इंतकाल हो गया था 1980 ईस्वी को। तो ये हो गया आप लोगों का सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में कुछ डिटेल्स, जिसको आप लोगों को भूलना नहीं है, हमेशा परमानेंट अपने दिमाग में ये फिट कर लेना है। क्वेश्चन तो सुहैल अज़ीम आबादी से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाभी जान इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं पूछेगा, चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अब हम इस अफसाने, भाभी जान नाम के इस अफसाने को समझ लेते हैं। देखिए भाभी जान, ये चैप्टर का नाम भाभी जान सुनकर आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा होगा कि इस कहानी में किसी की भाभी की बात की गई है, यानी कि इस कहानी में किसी की भाभी की कहानी बताई गई है, ठीक है, तभी इस चैप्टर का नाम भाभी जान है। तो जी बिल्कुल, आप लोग सही अंदाज़ा लगाए हैं। इस कहानी में ना भाभी जान के बारे में, जो किसी की भाभी है, ठीक है, भाभी के बारे में ही कहानी बयान की गई है। और उस भाभी का पता है क्या नाम है? रुकैया, रुकैया भाभी हैं। और जिनकी ये भाभी हैं उनका नाम है अख्तर, ठीक है। अख्तर और रुकैया भाभी ये एक दूसरे के क्या है, भाभी, देवर भाभी हैं, ठीक है। क्योंकि अख्तर जो है उनके बड़े भाई रहते हैं जिनका नाम है नन्हे, और नन्हे भाई की शादी रुकैया भाभी से हुई रहती है। तो रुकैया भाभी और अख्तर क्या होंगे, एक दूसरे के देवर भाभी ही ना रहेंगे, लगेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा रिश्तेदारी जानते भी होंगे। तो यहाँ पर अख्तर और रुकैया भाभी के बीच देवर भाभी का रिश्ता है। और अख्तर जो थे वो एक शायर थे, ठीक है। अख्तर क्या थे, शायर थे, और वो अपने भाभी रुकैया भाभी के घर 3-4 दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। तो ये 3-4 दिनों के लिए जब रहने के लिए आए थे अख्तर, तो वो अपने भाभी की हर एक एक एक्टिविटी को देखे, खूबी को देखे, उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी वफादारियों को, हर एक एक एक्टिविटी और उनकी खूबी को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। और मुतासर होकर उन्होंने मतलब ये सारी अपने भाभी की खूबियों को इस कहानी में बयान किए हैं, ठीक है। सुहैल अज़ीम आबादी इस कहानी को ऐसे लिखे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि अख्तर अपने भाभी के बारे में बता रहा है। भले इस चैप्टर के राइटर सुहैल अज़ीम आबादी हैं, लिखने वाले कौन है, सुहैल अज़ीम आबादी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अख्तर जो है ना वो खुद अपने भाभी के बारे में सारी खूबियों को, सारी वफादारी और जिम्मेदारी को दिखा रहा है, सारी उनकी कहानी को बता रहा है, ठीक है। इतना खूबसूरत तरीके से ये सुहैल अज़ीम आबादी इस अफसाने को लिखे हैं। मतलब सुहैल अज़ीम आबादी इस अफसाने में रुकैया भाभी को मिसाल बनाकर, रुकैया भाभी के ज़रिए सभी लोगों को ये बताने की कोशिश किए हैं और ये मोटिवेट करने की कोशिश किए हैं कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल, कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप लोगों को उससे डर कर पीछे नहीं हटना है, उससे डट कर और मुस्कुरा कर सामना करना है। परेशानी और मुश्किल आपकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम लेने के लिए आती है, इम्तिहान लेने के लिए आती है कि आप उस परेशानी से लड़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर मुश्किल और परेशानी आती है तो उससे लड़िए, समझिए कि ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरा एग्ज़ाम हो रहा है कि मैं इस मुश्किल से लड़ पा रहा हूँ कि नहीं, और उसे लड़िए। यही ताकत, यही हौसला और लड़ने का जुनून जो है ना रुकैया भाभी में दिखाई देता है। रुकैया भाभी में इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी वो उफ तक नहीं करती है, और वो अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलों को डट कर सामना करती हैं, अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलों से डट कर लड़ती हैं। और यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ती हैं, ये उनकी खूबी बहुत ही ज़्यादा सुहैल अज़ीम आबादी को भाई। और वाकई में वो इस कहानी में रुकैया भाभी की सभी खूबियों को बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर की हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू से कहानी बताती हूँ ना, तो आप लोगों को मालूम चल ही गया है कि अख्तर और रुकैया भाभी के बीच देवर भाभी का रिश्ता है। और अख्तर के बड़े भाई जिनका नाम है नन्हे भाई, वो एक सियासी आदमी थे। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, वो एक सियासी आदमी थे, पॉलिटिक्स में रहा करते थे, राजनीति में, ठीक है। तो उनकी शादी रुकैया भाभी से हुई थी।
तो देखिए, शादी से पहले अख्तर को और सभी लोगों को ये लगता था कि रुकैया भाभी जो है ना, वो इस मतलब वो अपने मायके में, अपनी माँ के घर में रुकैया भाभी शादी से पहले जो है ना राजकुमारी की तरह रहा करती थी। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए वो हज़ारों रुपए खर्च कर देती थी। तो शादी से पहले अख्तर को और सभी लोगों को यही लगता था कि जब रुकैया भाभी और मतलब नन्हे भाई की शादी हो जाएगी तो नन्हे भाई तो पॉलिटिक्स में रहेंगे, सियासत में रहेंगे, राजनीति करेंगे, ठीक है, और रुकैया भाभी ससुराल में आकर वो अपने घर पर राज करेंगी। ऐसा सभी लोगों को लगता था और अख्तर को भी लगता था, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब शादी हुई रुकैया भाभी की और नन्हे भाई की, तो जब शादी हुई ना तो नन्हे भाई तो सियासत में थे, राजनीति करते थे, लेकिन राजनीति करने की वजह से ही उन पर मुकदमा चलने लगा, केस चलने लगा। और यही वजह है कि मतलब नन्हे भाई पर केस ठुकाया, उन पर मुकदमा चला और वो जेल चले गए। फिर वो घर पर वापस आते तो फिर उन पर मुकदमा चलने लगता, फिर केस ठुकाता और फिर वो जेल चले जाते और फिर 3-4 साल तक वहीं पर रहते, फिर आते फिर केस ठुकाता, मतलब फिर से मुकदमा चलता, फिर जेल चले जाते। तो इस तरह जो है ना नन्हे भाई हमेशा जेल में ही रहते थे। अब बताइए, जब हमेशा जेल में ही रहते थे नन्हे भाई, तो सारी जिम्मेदारी, जितनी भी जिम्मेदारी थी, घर को चलाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का काम, पूरे घर को चलाने का काम रुकैया भाभी के सर पर आ जाता था। पूरी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ रुकैया भाभी अपने घर को चलाती थी, सारी जिम्मेदारी रुकैया भाभी के सिर पर आ जाती थी। शौहर भले ही जेल में थे, लेकिन पूरे घर को चलाने का काम, बच्चों को देख रेख और उनको पढ़ाई लिखाई का सारा का काम यही करती थी, ठीक है। अख्तर इस कहानी में बता रहे हैं कि रुकैया भाभी जो है एक जलते हुए शमा की तरह थी, जो कि खुद पिघलती रहती, जलती रहती, पिघलती रहती, ठीक है, लेकिन दूसरों को रोशनी देने से नहीं चूकती थी। बिल्कुल वो जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई चिराग की तरह थी। इस तरह वो अख्तर जो है अपनी भाभी की मिसाल एक चिराग से दिए हैं, वो जलती हुई मोमबत्ती से दिए हैं, ठीक है। वो इस कहानी में बता रहे हैं अख्तर कि रुकैया भाभी जो है वो सुबह सवेरे उठती, अपने बच्चों को नहलाती, खुद नहाती, तैयार होती और बच्चों को तैयार कराकर, खाना पीना खिलाकर, ठीक है, स्कूल भेज देती थी, ठीक है, और उसके बाद से मिलने वालों का सिलसिला शुरू होता था। वो मिलने वाले जो थे वो आते थे, इसलिए आते थे रुकैया भाभी के पास क्योंकि रुकैया भाभी हम लोगों को नौकरी दिलवा देंगी, ठीक है, बड़े लोगों से बात कर कर, क्योंकि इनके शौहर जो हैं वो एक सियासी आदमी है, पॉलिटिक्स है, तो इनका पकड़ जो है बड़े लोगों से होगा रुकैया भाभी का, और इसीलिए मतलब कुछ लोग जो हैं रुकैया भाभी से मिलने आते थे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं था, रुकैया भाभी सिर्फ नाम की रह गई थी, उनका बड़े लोगों से कोई पकड़ वकड़ था नहीं, सिर्फ सिफारिश के लिए वो जाया करती थी जो लोग उनके पास आया करते थे। इस तरह जो है ना रुकैया भाभी दिन भर ये सब कामों में बिज़ी रहती, और उसके अलावा रुकैया भाभी जो है एक कॉलेज में लेक्चरर थी और एक लड़की की ट्यूशन वो पढ़ाया करती थी, सिर्फ एक लड़की, ठीक है। देखिए, रुकैया भाभी का एक वक्त ऐसा था जब उनके घर में 4-5 नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया था कि उनके घर में सिर्फ एक ही नौकर था, जो कि बाज़ार से सब्जियाँ ला दिया करता था और कुछ नहीं, ठीक है। और रुकैया भाभी जो है जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ पर उनको 400 रुपये महीना मिलता था। कितना रुपए? 400 रुपये महीना, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है। और उसके अलावा वो एक लड़की की ट्यूशन पढ़ाती थी जिसको मतलब उन्हें 50 रुपया महीना मिलता था। तो टोटल कितनी आमदनी हो गई रुकैया भाभी की? 450 रुपये, 450 रुपये उनको महीना मिलता था, और उसी 450 रुपये में पूरे घर को चलाना, ठीक है, और उसके अलावा वो दूसरों की भी मदद किया करती थी। तो कितना मतलब ये कम पैसा है, कितना कम आमदनी है पूरे घर को चलाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है रुकैया भाभी एक लड़की थी जिसका नाम था शमी, याद रखिएगा, क्या नाम था उस लड़की का? शमी नाम था, लिख कर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, शमी, ठीक है, उस लड़की का नाम था शमी। और ये शमी लड़की जो थी ये बहुत ही गरीब थी, गरीबी के बावजूद भी ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके वालिद के पास पैसे नहीं थे। वालिद जो है शमी के पिता, इसको पढ़ाने के काबिल नहीं थे, तो शमी को जो है ना रुकैया भाभी पढ़ाती लिखाती थी, जितना भी पढ़ाने लिखाने का खर्चा था रुकैया भाभी खुद उठाती थी, ठीक है। तो शमी को पढ़ाने का काम खुद रुकैया भाभी किया करती थी, ठीक है। और उसके अलावा एक हॉस्पिटल में जाती थी, एक बच्चे के लिए रोज़ सुबह शाम दूध लेकर जाती थी, क्योंकि उस हॉस्पिटल में एक मुलाजिम की बेटी थी जिसका बच्चा हुआ था, और उसी बच्चे के लिए जो है ना रुकैया भाभी रोज़ सुबह शाम दूध खरीद कर ले जाकर दिया करती थी। मतलब कितना अच्छा मिसाल बैठ रहा है, जलती हुई मोमबत्ती की तरह रुकैया भाभी हैं, जो कि खुद जलती रहती हैं, पिघलती रहती हैं, लेकिन दूसरों को रोशनी देना नहीं छोड़ती,
नहीं भूलती। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह है रुकैया भाभी की ज़िंदगी में। खुद तो गरीबी है ही है, खुद उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ इतनी मुश्किल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। और देखिए एक दिन हुआ क्या कि ये जो शमी नाम की लड़की थी वो रुकैया भाभी के घर आई। ठीक है, और पूरे मतलब अश्कों से लबरेज थी, यानी कि आंसू गिर रहे थे उसका, मतलब उदास थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब वो रो देगी। ठीक है शमी, तो रुकैया भाभी पूछी कि बताओ तुम रो क्यों रही हो, ऐसा उदास क्यों मन बनाई हो, ठीक है ऐसा लग रहा है कि तुम रो दोगी, ऐसा क्या हुआ है बताओ, तो कुछ तो बताओ। और शमी जो है ना वो कुछ बता ही नहीं रही थी, मतलब जितना ही रुकैया भाभी उससे पूछ रही थी उतना ही शमी जो है घबरा जा रही थी, और उसके बाद से उसके होंठ कांप रहे थे, वो मतलब बताना चाह रही थी लेकिन बता भी नहीं पा रही थी शमी। तो रुकैया भाभी शमी को शमी का हाथ पकड़ कर खींच कर कमरे में लेकर गई, और कमरा का दरवाज़ा बंद कर उसको दो चार झाड़ लगाई और बोली बताओ क्या हुआ है, क्यों नहीं बता रही हो, सिर्फ रोते ही जा रही हो, रोते ही जा रही हो। और शमी बहुत ही रोई, और मतलब बहुत ज़्यादा रोने के बाद लास्ट में बताई रुकैया भाभी को कि मेरे भाई का कल एमए का फॉर्म भरना है, ठीक है एमए की फ़ीस देनी है और कल लास्ट डेट है, पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है और इसीलिए मैं आपके पास आई थी। एक तो आप मेरा पहले से ही पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाती हैं और ऊपर से आप मेरे भाई की एमए की फ़ीस भरने की मतलब पैसे कहाँ से लाएंगी, और इसीलिए मैं शर्मिंदा थी और आपके पास आ तो गई थी लेकिन मतलब आपसे बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आपके जैसा इस दुनिया में हमदर्द इंसान कहाँ मिलेगा जिससे दिल का बोझ हल्का कर सके, एक आप ही थी और इसीलिए मैं आपके पास आई थी सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए। और ये बात सुनकर ना रुकैया भाभी शमी के गाल पर एक चपात लगाई, चपात लगाना समझते हैं ना, थप्पड़ लगाना, ठीक है। तो रुकैया भाभी शमी के गाल पर एक चपात लगाई और बोली इतनी छोटी सी बात तुम मुझसे नहीं बोल रही थी, ठीक है। और रुकैया भाभी जाकर अपना अलमीरा खोली और उसमें से दो छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ निकाली, सोना का चूड़ी था, ठीक है, जो कि उनकी बेटी रेहाना का था, ठीक है। वो अपनी बेटी रेहाना के लिए दो दिन पहले ही वो छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ खरीदी थी, ठीक है। अब वो छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ निकाल कर ले जाकर शमी को दे दी और बोली जाओ इसको बेचकर अपने भाई के एमए की फ़ीस भर देना। इसी तरह रुकैया भाभी का रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजरता रहता। एक बार जो है ना रुकैया भाभी अपने मेज़ पर सर रख कर उदास बैठी हुई थी और उनके हाथ में एक पेपर था और शायद उनकी आंखों में आंसू था, वो शायद रो रही थी। तो अख्तर उस कमरे में आए, ठीक है अख्तर आए, अपने ये कहानी जो है अख्तर ही बता रहे हैं। तो अख्तर आए और देखे कि रुकैया भाभी उदास बैठी हुई है, मेज़ पर सर रखकर बैठी हुई है। वो जाकर रुकैया भाभी के पास बैठ गए अख्तर और पूछे कि क्या हुआ है भाभी जान। भाभी जान तो कुछ नहीं बताई रुकैया भाभी, उनके हाथ में पेपर था। तो अख्तर पेपर लेकर देखे कि आखिर इस पेपर में लिखा क्या है, तो उसमें यही लिखा था कि नन्हे भाई जो कि रुकैया भाभी के शौहर हैं, ठीक है, नन्हे भाई को 4 साल का जेल हो गया है, 4 साल की जेल बढ़ा दी गई है, अब वो 4-5 साल और भी जेल में रहेंगे, ठीक है। और यही बात देखकर और ये बात सुनकर जो है ना रुकैया भाभी उदास थी और वो पूरी तरीके से टूट गई थी कि उनके शौहर को फिर से चार साल का जेल हो गया है, ठीक है। ये बात सुनकर और ये चीज़ देखकर जो है अख्तर को भी बहुत दुख हुआ और वो अपने भाभी जान के हौसले को बढ़ाने के लिए, मतलब हौसले की अफजाई करने के लिए अख्तर अपने भाभी जान से बोले कि सब्र कीजिए भाभी जान, ऐसे इम्तिहानों का मंजिल आपको और भी झेलना बाकी है, ऐसे इम्तिहान आप लोग आपको अभी और भी देना है, ठीक है। और ये बात सुनकर रुकैया भाभी के दिल को जैसे सुकून आ गया और वो उठ खड़ी हुई और बोली कि तुम सही कह रहे हो अख्तर, अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे और इस घर को कौन चलाएगा, ठीक है। और जाकर अपना मुंह धोने चली गई, मुंह हाथ धोने चली गई, ठीक है। और मुंह हाथ धोकर उधर से ऐसे आई और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो सिर्फ़ एक लहर था जो कि चला गया, अब वो फिर पहले जैसी हो गई, अपने ज़िम्मेदारियों और वफादारियों के साथ, अपने नए जुनून के साथ फिर से पूरे अपने काम में बिज़ी हो गई और ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर पहले 2 मिनट के लिए लहर आई थी और वो चली गई और वो फिर से वो पहले जैसा काम करने लगी और ज़िम्मेदारियाँ उठाने लगी। 2 मिनट के लिए वो टूट गई थी और अख्तर की सिर्फ ये एक बात से मतलब उनको एक तरह से हौसला मिल गया, एक तरह से हिम्मत मिल गई, ठीक है। और रुकैया भाभी अपने आप को संभाली और फिर से अपनी ज़िम्मेदारी और वफादारी के साथ काम करने लगी और पूरे घर को संभालने लगी।
तो ये थी रुकैया भाभी। तो इस चैप्टर में रुकैया भाभी की इतनी सारी खूबियों को बयान किया गया है, जो जो आप लोगों के बुक में दिया गया है ना, वो सारी बात मैं आप लोगों को बता दी। तो ये था आप लोगों का पूरा कहानी भाभी जान का, ठीक है। भाभी जान की हर एक एक खूबी को सुहैल अजीम आबादी इस कहानी में बयान किए हैं, इस चैप्टर में बयान किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीट, ठीक है। अब रही बात इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो अभी मैं आप लोगों को 1 by 1 करके सिर्फ चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह 1 by 1 करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से अपलोड होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग चैप्टर वाइज 1 by 1 करके पढ़िए, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया, तो क्या आप इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे, दूसरों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।